ये बात हकीकत है कि कोरोना के कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे एक को एक लॉजिक नहीं समझ पड़ जाती कि जब तक 9 बजे तक पूरी दुनिया चालू है और 9 से बाद में कर्फ्यू लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 11 बजे बाद तो ऐसे ही बिजनेस डाउन हो जाता है। तो 2 घंटे के कर्फ्यू ज़्यादा देने से पूरी होटल इंडस्ट्री पूरी डूब गई है। मतलब आज समझो कि आज हम देख रहे हैं कि करीब करीब यहाँ आज 10,000 रेस्टोरेंट सिर्फ अहमदाबाद में है और पूरे गुजरात में आप गिनने जाए तो 50,000 ऊपर रेस्टोरेंट है। आज 25% रेस्टोरेंट ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और बाकी लोग भी अपना रेंटल नहीं पे कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी आज हमारी इंडस्ट्री को तो एक बहुत बड़ा नुकसान रोज सहन करना पड़ रहा है। इसलिए हमको किसी के लॉजिक नहीं समझ पड़ती। आफ्टर लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू जो लगा है उसकी वजह से लोग रात को रेस्टोरेंट और ये सब आना छोड़ दिए हैं, लोग घर में ही रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और कोरोना की वजह से मैम जैसे ट्रैवलिंग कम हुई है उसकी वजह से होटल इंडस्ट्रीज़ के रूम और ये सब की क्या बोलते हैं ये सब की परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई है। हम लोग के रूम्स नहीं लग रहे हैं, हमारा बिजनेस नहीं आ रहा है, होटल में मतलब सैलरी निकालना तक मुश्किल हो रहा है।